जाना नहीं रागी मोटी खोर काया हांडी काठ की नाव चढ़े बेहोर। अब देखो कबीर का कहता है सतनाम के बिना काम नहीं चलता, और राधा स्वामी मत वाले कहते राधा स्वामी नाम के बगैर काम नहीं चलता, व्यास वाले कहते हैं पांच नाम के बगैर काम नहीं चलता, कई कहते हैं राम नाम के बगैर काम नहीं चलता। तो मेरी जिंदगी तलाश में गुजरी ये राधा स्वामी नाम क्या है, सतनाम क्या है, राम राम क्या है, इसी की हवस में मैंने अपनी उम्र गुजार दी। क्योंकि मैंने प्रण किया था अब मैं समझता हूँ कि बात क्या है, वो मैं समझाना जाना चाहता हूँ। आगे पढ़ो। सत नाम पारस सरस जन मन में लालो हो कर पर सति कंचन भया छूटा काम मद मोह। वो कहते हैं सतनाम वो है चुंबक है, पारस है, लोहे के ऊपर रंग चढ़ा हुआ है, अगर वो उससे मिल जाता है तो वो साफ हो जाता है। अब मैं सोचता हूँ आप भी सोचें कि क्या मुंह से सतनाम 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 जपने से या मन के साथ सतनाम 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 जपने से जो हमारे मन के अंतर गंदगी है, लोहे के ऊपर जो जंगाल चढ़ा हुआ है, क्या वो छोड़ सकता है? आप सोचिए, आप क्यों आते हैं सत्संग में? आपको पता होगा मैं क्यों सत्संग कराता हूँ। सत्संग में मिलता क्या है? बिन सत्संग विवेक न होई अर राम कृपा बिन सुरत न। मैं सत्संग में जो अनुभव जो विवेक जो सच्चाई मैंने ग्रहण की है वो देता हूँ, इसके सिवा और मेरे पास कुछ नहीं। बाकी जो कुछ होता है ये जीव के अपने विश्वास और अपने कर्म का फल मिलता है, यह है सच्चाई। कुछ कह देता हूँ वो हो जाता है, लोग समझते हैं मैं करता हूँ। आग लगे गुरुवाई को मेरी चार दिन की जिंदगी है, मैं कुछ नहीं करता, जो होना होता है मेरे मुंह से वो निकलता है। लोग ये समझते हैं कि मैं करता हूँ, यह है सच्चाई। मैं जानता हूँ कि मेरी सच्चाई से मंदिर का पैसा नहीं आएगा। अरे मंदिर का पैसे को मेरे जान जाएगी, जो मैंने कर्म किए हुए मेरे साथ वो जाएंगे। अब मैं जो विपरीत करता हूँ अपनी आत्मा से पूछता हूँ क्यों भाई वो सतनाम कामना पड़ो करी को। सतनाम पारस सरस जन मन में लालो हो कर पर सति कंचन भया छूटा काम मद मोह। अब तुम सोचो आए हो सत्संग में मेरे बुढ़ापे की उम्र पर रहम करो, भेड़ चाल मत सत्संग किया करो। अब कबीर कहता है कि सतनाम तो है पारस और इंसान का जो मन है ये है लोहा जिसके ऊपर तरह तरह के ग्रास चढ़े हुए हैं, जब ये लोहे वाला ग्रास उस पारस के साथ मिलता है उसका मोह छो सब छूट जाता है। अब मैं पूछता हूँ दुनिया सारी बड़े बड़े महंत ये साधु जो महंत हैं गुरु जो बने हुए हैं ये सतनाम को उपदेश देते हैं, मैं देखता हूँ इनका तो मोह न गया, कोई गुरु किसी के अंदर नहीं जाता। जो सतनाम का उपदेश देते हैं इनमें से कोई गुरु किसी के अंदर नहीं जाता, न मरते समय जाता है,
मगर ये कहते क्या है, हम जाते हैं और पब्लिक से पैसा लेते हैं और मत्थे टिकाते हैं, तो फिर वो सतनाम जो उन्होंने जपाया उस सतनाम ने उनको क्या फायदा किया, उनका मन साफ हो गया। एक हम मैंने नाम जपा बतेरिया मारा राम राम की जपना, कई आदमी सतनाम 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 भाई क्या करते हैं, क्या उनके मन साफ हो गए, ये क्वेश्चन है। फिर मैं पूछता हूँ क्या तुझको तेरा मन कैसे साफ हुआ, 100% नहीं हुआ मगर 99% जरूर है। वो किसने किया, वो सिर्फ सतनाम के जाप ने नहीं किया ना, बिल्कुल नहीं। वो नाम था जो गुरु ने मुझको दिया, जिस गुरु ने मुझे ये नाम दिया, नाम रहे सतगुरु आधीन, दाता ने मुझको ये नाम दिया था, उस नाम के साथ मुझे उन्होंने खास हदायतें की थी कि ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना, ऐसे जीना ऐसे जीना। तो जब मैंने वो नाम भी जपा और उनकी हदायतों पर भी चला तब मेरा मन कंचन हुआ, मगर अभी 99% कंचन हुआ, 1% अभी बाकी है। जिस दिन ये सत्संग छोड़ जाऊंगा उस दिन 100% पूरा हो जाएगा। क्योंकि सत्संग कराता हूँ, मेरी आस है कि दाता ने कहा था मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर जाऊंगा, मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि मैं जो कोई मेरा अनुभव होगा बता जाऊंगा। यशोधन दास सुन रहा था सत्संग, रिवोटिया बसरे बगदाद का, ये पूछा करते थे मास्टर जी कुछ बताओ, मैंने कहा जब पहुंचूंगा तब बताऊंगा। तो मेरा तजर्बा क्या कहता है, कोई लाख मुंह से सतनाम सतनाम कहता रहे, अगर लोग कहते हैं नाम वो है जो अंदर में तुरंत प्रकट होती है, बहुत अच्छा। जिन आदमियों ने अपने अंदर में शब्द सुने क्या उन्होंने 420 नहीं की, इन महात्माओं ने अपने अंदर नाम सुना, फिर क्यों उन्होंने पर्दा रखा, क्यों कहा कि हम जाते हैं, नाम ले जाओ हम अंत में तुम्हें ले जाएंगे। तो साबित हुआ कि अनंत नाम सुना ये भी नाम नहीं है। मैंने बसरे बगदाद में बीने सुनी, बीने मास्टर बैठा हुआ प्रशोधन था जिसके स्टेशन पर गया मैं, 3 महीने मेरे दिमाग में बीनी भरती थी, क्या बीन सुनने के बाद मैं घर में आया, मैं काम ही नहीं हुआ। अगर तो औलाद के वास्ते और के पास जाता कोई नहीं था, मैं तो विषय हो गया, तो मेरी बीन सुनी कहाँ गई। ये मेरा अपना जाति अनुभव है, इसलिए मैं जो नाम है अंदर में धुन आत्मक, सिर्फ इसी को नाम नहीं समझता, गो उसका होना जरूरी, उसके साथ है सत्संग, किसी कामर पुरुष का उसकी हदायत पर असर जब तक नहीं करता। और शब्द इसलिए सुना जाता है कि आदमी को पता लग जाए कि मैं कौन हूँ। एक आदमी को ज्ञान भी हो गया मैं कौन हूँ, मगर अगर वो अपनी जिंदगी को असूल नहीं गुजारता तो उसको ज्ञान होने से क्या फायदा। तो ये मार्ग जो है ये है करने का, अमल का, रहने का। आप लोग आ जाते हैं, मैं जानता हूँ मैं बहुत ऊंचा बोलता हूँ, आपको इससे कोई फायदा नहीं, इसको भी मैं जानता हूँ। मेरे पास जितने आदमी आते हैं इसलिए आते हैं कि उनका मन पवित्र हो जाए, वो तो चाहते हैं बेटा हो जाए, लड़का हो जाए, जायदाद मिल जाए, ये हो जाए ये हो जाए ये हो जाए ये हो जाए। तो मैंने चूंकि प्रण किया था अपना, मैंने क्या समझा सतनाम क्या है, अनुभव, सतगुरु की बात को समझ करके अपने अंतर शब्द को सुनने के बाद जो रियलाइजेशन होती है उसके मुताबिक क्या है, उसका नाम है नाम की प्राप्ति, सतनाम। होता कबीर से मैं पूछता, इन संतों को पूछता, किसी को बुरा कोई आता नहीं, फिर आपने क्या डंबर मचाया है, एक कहता है राम राम जपो, दूसरा कहता है सतनाम जपो, तीसरा कहता है ये काम करो, शायद काम करने से दुनिया सुधर गई। पढ़ो आगे।
सत नाम निज मूल है, मंत्र जंत्र सब डार। ये कहीं कबीर सत नाम बिना बूढ़ मुआ संसार। वो कहते मंत्र संत्र में कोई जरूरत नहीं, सत नाम के बिना ही। अब मैं आपको नहीं कहता दोस्तों, मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, क्यों कबीर संत तुदारी बना के हर महीने सत्संग कराता है? भाई मान के बच्चे ये बता, तुम्हें सत नाम मिल गया, लोग मुख क्या कहते हैं? मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, तुमको मिल गया सतनाम? मुझे सतनाम सिर्फ ये मिला कि जब से तुम लोगों से मुझे पता लगा कि मेरा रूप तुम्हारी मदद करता है और मैं नहीं होता, तो मुझे यकीन हो गया कि मेरे मन के अंदर जितने ख्यालात, जितने विचार, जितने शक्लें पैदा होती हैं, ये रियलिटी नहीं है, ये सजेशंस एंड इम्प्रेशंस हैं। जब ये मिल गया तो आगे है प्रकाश और सब। अब मेरे मन के अंदर जिस कदर ख्यालात पैदा होते हैं उनकी मैं परवाह नहीं करता, और अपने आप को उस जगह रखने की कोशिश करता हूँ, उस वहाँ ठहर जहाँ ठहर कर मैं शब्द सुनता हूँ, प्रवाह सुनता हूँ। जब कभी इस अवस्था में होता हूँ तो मुझे क्या होता है कह नहीं सकता, वहाँ क्या होता है मैं नहीं कह सकता, जुबान के लिए लफ्ज नहीं है। वो एक जिंदगी की मेरी हालत है, एक अवस्था, इज स्टेट ऑफ माई एग्जिस्टेंस। वहाँ न मुझे दुख है, न मुझे सुख है, न पाप है, न पुण्य है, न गुरु है, न चेला है, न नाम है, न नामी है, एक हालत आ जाती है। ये अवस्था मुझे मिली, इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं मिला। पर वो इस कड़ी को जो पढ़ी तुमने, सत नाम निज मूल है, मंत्र जंत्र सब डार। वो निज मूल क्या हुआ? वो निज मूल मेरी वो सेल्फ है जो प्रकाश को देखता है और शब्द को सुनता है। जब मैं उस अवस्था में चला जाता हूँ वो निजमूल है। मैंने सतनाम को ये समझा। अब सतनाम तुम ना रखो, निज नाम कह लो, राम कह लो, उसका कोई नाम रखो। मैंने सतनाम को क्या समझा? वो मूल क्या है? मूल मेरी अपनी ही जात है, जो असल में मैं है, जो शब्द को सुनती है, जो प्रकाश को देखती है, जो मन के चक्रों को का साक्षी होती है, वो जो चीज है वो है मूल। तो फिर सतनाम कौन हुआ? मेरी अपनी ही जात, तुम्हारी अपनी ही जात, तुम अपने ही आप तुम्हारा सतनाम है और कोई बाहर का सतनाम नहीं। यह है सच्चाई जो मैंने अनुभव की है। हो सकता है मैंने जो समझा हो और कान को हाथ लगाता हूं, आप लोगों को एहसान मानता हूं, आप लोग मेरे कर्म कचाने के लिए आ जाते हैं, और मैं बड़ा खुशकिस्मत इंसान हूं जो मुझे आप लोगों के दर्शन प्राप्त होते हैं, क्योंकि तो आप लोगों की दया से मैं इस रात को समझ सका कि सतनाम है क्या। आगे पढ़ो, इसी कल को पढ़ो फिर। सत नाम निज मूल है, मंत्र जंत्र सब डार। कहीं कबीर सत नाम बिना बूढ़ मुआ संसार। अब पूछी कहे बूढ़ मरा संसार कैसे मर गया? कि हमने उस अपनी जात को नहीं जाना, तो कहीं दूसरी ख्याल में, किसी रफ्ज राम में, रफ्ज राधा स्वामी में, किसी और की शक्ल में उसके साथ बने रहे, उसमें डूबे रहे। पुरुषोत्तम दास, हु विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग।
कौन समझेगा जो मैं कह रहा हूं? यह है संत मत, यह है रियलिटी। कैसे डूब मरा? मैंने आपको बोल दिया कि सतनाम क्या है। वो सतनाम है जिसके साथ लोहा लग जाता है, यानी लोहा भी मैला होता है, वो भी तर जाता है। सतनाम वो अवस्था है जहां हमारा सेल्फ सबसे अलहदा होकर अपने आप में ठहर जाता है। तुम्हारी अपनी जात सतनाम। तो जो उस सतनाम को नहीं जानता क्या करता है? संसार में डूब मरता है। संसार उसका क्या है? सम और साथ। जो चीज हमारे सर के सामने आती है, सम के मैंने सार, सम सार, मम्मा बदल के नन्ना हो जाता है संसार। जो कुछ हमारे सामने प्रकट होता है, हमारी जिंदगी के सामने ख्यालात उठते हैं, हम उनमें बह जाते हैं। परवेश करी को सत नाम निज मूल है, मंत्र जंत्र सब डार। आगे कहीं कबीर सत नाम बिना बूढ़ मुआ संसार। कैसे बूढ़ मरा संसार? हमारे अपना सर जो है वो अपने आप को छोड़कर दूसरे की किसी और चीज के पीछे लगा हुआ है, इस बात से जो मेरा। आगे कोट नाम संसार में तिनते मुक्ति ना होए। फिर पर कोट नाम संसार में तिनते मुक्ति ना होए। सत नाम है सार जप बुझे बिरला कोई। अब वो कहते हैं कितने नाम तुम जपते हो, उनके बगैर तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, उनसे मुक्ति नहीं होगी। सिवाय सतनाम की मुक्त कब होगा आदमी? जब उसका सेल्फ जो कुछ उसके अंदर से निकलता है उसके साथ जब तक बंधा हुआ है वो बंधन में है, उसको छोड़ जाएगा मुक्त है। तो सिर्फ मुंह से सतनाम सतनाम गाने का से तो इंसान की मुक्ति नहीं हुई। सतनाम वो अवस्था है, मैंने प्रण किया था अपना अनुभव कह जाऊंगा, इसलिए मैं कहता हूं अगर मैं गलत हूं दूसरे महात्मा को हक देता हूं मेरा खंडन कर जाए। सतनाम जुबान से कहने का मतलब नहीं है, नाम कहते हैं असलियत को। हमारा वो जो सेल्फ है जो प्रकाश को देखता है, शब्द को देखता है, जब अपने आप में है उस वक्त उसको वो मुक्त है। अगर वो नीचे आकर के रूप के साथ बन गया, प्रकाश के साथ बन गया, या दुनिया की चीजों के साथ बन गया, उसको फिर मुक्ति कहें। तो सिर्फ सतनाम सतनाम कहने से मुक्ति नहीं मिलती। तुम उसका नाम सतनाम ना रखो, कोई और रख लो। मतलब तो सिर्फ बात को समझने से है, लफ्जों के जाल में जो फंसा बानी जाल महाजाल है। बानी के जाल में फंसा हुआ आदमी बस फंस जाता है। आगे राम राम सब जग कहे नाम नचीने को, नाम गुरु की दात है नाम कहावे सोए। वो जो सतनाम है उसकी गुरु मैंने अपने आप को कभी पागल बन के या बेहया बन के अपने आप को संत सदगुरु वक्त कहा है। मैं आत्मा से पूछता हूँ क्या तूने जो कहा है हंकारी? नहीं, हंकारी नहीं है। सदगुरु नाम है सच्चे ज्ञान का। नाम गुरु के माध्यम है। कैसे? गुरु उसको समझा देता है कि नाम की असलियत क्या है और किस जगह जाकर तुमको नाम की प्राप्ति होगी। ये है सारा मतलब। बिना बाहरी गुरु के जो शख्स नाम जपते हैं वो सारी किताबों के नाम से बाहर नहीं होता।
परवश करी को बिल्कुल सुरान ठीक की आगे राम राम सब जग कहे नाम न चीने कोए नाम गुरु की दात है नाम कहावे सोए। तो गुरु की दात क्या है? गुरु सत्संग में बैठाकर उसको असलियत का साक्षात्कार करा देता है, फिर लफ्जों के जाल से वो बच जाता है, बंदे से बच जाता है, प्रैक्टिकल आदमी हो जाता है। आगे सोहंग सोहंग जप मुआ मिथ्या जन्म गवाए। अब देखो ना लोग आम तभी लोग सोहंग सोहंग जपते हैं शब्द, और कबीर कहता है पढ़ो सोहंग सोहंग जप मुआ मिथ्या जन्म गवाए गुरु पारख मिले जोहरी रतन नाम बिलगाए। वो कहते हैं सोहंग सोहंग करते मर गया, क्या बन गया? कुछ नहीं। बात बहुत ऊंची कह रहा हूं, बहुत सूक्ष्म है, मैं जानता हूं हर एक आदमी इसको समझ नहीं सकता, मगर मेरे बस की बात नहीं। बूढ़ा आदमी बुरी बात करता है, जवान जवानों की बात करता है, बच्चे बच्चों की बात करते हैं। मैं ऊंचा चला गया, मुझसे अल्फ बे पे तो पढ़ाई नहीं जाती, ना मैं कह सकता हूं। आगे सुन शिखर चढ़ घर किया सहज समाध लगाए नाम रतन धन तहां मिला सत गुरु भय सहाए। सुन क्या पांच कर्म इंद्रियां पांच ज्ञान इंद्रियां मन बुद्धि 14 लोक हैं। जब इससे ऊंचा चला गया तो फिर वो कहां जाएगा? अपने ही आप में चलेगा, क्योंकि न कर्म इंद्रियां वहां काम करती हैं, न ज्ञान इंद्रियां काम करती हैं, न मन चित्त बुद्ध अहंकार होता है। वो जो अवस्था है वो तुम्हारी अपनी स्वास्थ्य है, ये उस अपने आप में ठहरने की जो अवस्था उसका नाम है नाम। आगे घाट ही नाम की आस कर दूजी आस निराश बसे जो नीर गंभीर में क्यों वह मरे प्यास। मेरा उसकी याद करो, मगर हम लोग जो हैं, मैंने उसकी याद की। मैं दाता के पास दुनिया मांगने नहीं गया था कभी। मेरे पास जितने आदमी आते हैं, कितनी आती हैं, दुखों की परी आती हैं, हम बीमार हैं, लड़की की शादी नहीं हुई है, अब मैंने ये बात नहीं मानी। दो दफा जरूर मैंने दरख्वास्त की दुनिया की, एक दफा लड़की के लिए कार नहीं मिलता था। आपको बताता हूँ गुरु क्या किसे कहते हैं। मुझे लड़की के लिए घर नहीं मिलता था, बड़ा टकरा मारी, दुखी हो गया, दाता को तार दी, आई एम इन ट्रबल, मैं तकलीफ में हूँ। उस दिन 26 दिसंबर था जब तार पहुंची धाम में, 6,000 आदमी बैठा हुआ था सत्संग में। दाता ने तार पर कहने टांगा लाओ, इन्हें क्या हो गया? मेरे फकीर को तकलीफ है, मैं जहाँ नहीं ठहर सकता। वहां से मेरे पास गिदड़ बहे आए, सर्दी से जिस्म कांप रहा था। मुझे कहते बेवकूफ क्यों तुम्हें तकलीफ दी? मैंने कहा महाराज ये बात है, एक आदमी को साथ लाए, कह रहे गए इसका भाई है लड़की, इसको दे दो। आपको बताता हूँ गुरु किसे कहते हैं। तो जब दाता ने ताम छोड़ी 1939 में, तो क्या हुआ था?
मैं वहाँ गया सुबह 5 बजे सत्संग था, तो एक उसका नाम मैं भूल गया, स्कूल मास्टर था, वो प्रेम के जज्बे में आया, तो सर्दी थी, उसने एक थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और मेरे ऊपर कंबल अपना दे दिया। अब पाले मरता है बेईमान को कीड़ा था, उसने काम ये थप्पड़ मार दिया। दादा दाल ने देखा, दादा दाल ने क्या तुमने मेरे फकीर की बेइज्जती की है, मैं काम छोड़ दूंगा। उसी वक्त काम छोड़ गया, उसी वक्त काम छोड़ गया। अब ऐसी जात पाक नहीं जिसने मेरा इतना रिगार्ड किया हुआ हो, मेरी बेइज्जती की वजह से काम छोड़ी हो और मेरी तकलीफ की वजह से सर्दियों में 6000 आदमी को सत्संग में छोड़ कर आए हो, अगर मैं उसका हुक्म नहीं मानता तो मैं मुजरिम नहीं हूँ, बता मुझे। ये नई चीज कोई ऐसी हिस्ट्री में आपको बात नहीं मिलेगी ना, तो मैं मजबूर हूँ, मेरे बस की कोई बात नहीं, मैं चाहता नहीं मगर खींचा जाता हूँ, क्या करूँ, मेरे बस की क्या बात है। आगे पढ़ो। जैसे माया मन रमे तैसा नाम रमाए, सारा मंडल बेधि कर तब अमरापुर जाए। जैसे हम माया में ग्रस्त रहते हैं, हमको दुनिया के सैलाब की चाह रहती है, अगर ऐसी चाह वहां रखो तो फिर क्या होगा, कब जाओगे, जब जिस्म मन और प्रकाश से आगे जाओगे, क्योंकि रास्ते में तारा मंडल है क्या, रोशनी ही है ना, रोशनी से आगे जाना पड़ेगा। आगे फिर खत्मा दूसरा शुरू, खत्म हो गया। अच्छा ये क्या है, कौन सा पढ़ा तुमने, ये पढ़ा पढ़िया? अच्छा ये भी पढ़ना। अच्छा पढ़ो। तो मैंने आज आपको सतनाम के मुताबिक बता दिया, समझ जाओ कि ना तेरा भगत राम। बच्चों आप लोग मेरी सेवा करते हैं, मेरे दिल में ये दर्द रहती है, तो तुम लोग मेरे पास आते हो, तुम्हारा कल्याण हो। जो आदमी मेरे आते हैं, मैं ये फील करता हूँ कि आप लोगों का भला हो, आप लोगों को सेहत ठीक रहे, आप लोगों को इज्जत मिले, आप लोगों को खाने को रोटी मिले और आप लोगों का जन्म काट जन्म सफल हो जाए। मैं सिर्फ इस नीयत से काम करता हूँ, मुझे ये खास नहीं है कि फलाना आदमी आता है मुझे 10 पैसे दे, मुझे क्या पैसा अगर जाएगा मंदिर को जाएगा, मुझे तो मिलता नहीं, मंदिर में चलना होगा चलेगा, जैसे आई टी आई हैंग वाले, मगर मैं अपनी जमीर को साफ रखना चाहता हूँ। आप समझिए मेरी बात को, आप हैं मास्टर मोहन लाल है, मुंशी राम है, गौरा है, ये सब जितने आदमी हैं, मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ तुम्हारी तुमको दुनिया का भी सुख मिले और तुमको आंदा आंदे जन्म मरण से भी तुम बच जाओ, ये मेरी फीलिंग है। मुझे अपने मान की ख्वाहिश नहीं, अगर मुझे मान की ख्वाहिश होती तो मैं इस बात को पर्दे में रखता, जितना चाहे मैं लखा रुपया लोगों से इकट्ठा कर लेता, ये मैंने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। मुझे यकीन हो गया कि जो कुछ तुम लोगों को मिलता है ये तुम्हारा विश्वास है। परसों एक अंदाजा है, प्रोफेसर है, उसकी बीवी भी अंधी है, 5 दिन में मेरे मकान पर आया, वो रोता था, कहें बाबा जी मेरी लड़की अब मरने वाली है, वही डॉक्टर कहता है मरी के मरी, मैं पहले बार दौड़ता हूँ मेरी लड़की को बचा दे, मेरी लड़की को बचा दे। मैंने कहा कुली यकी होया नहीं, बचा दे बचा दे बचा दे। मैंने कहा अच्छा फिर तू विश्वास कर जा चला जा। वो 5-4 दिन नहीं आया तो मैं सोचा मर गई होगी, इस बात नहीं आया, वो लड़की लेके कर आया बच गया। अब मैं सोचता हूँ फकीर चैन वो तो ये समझता है कि बाबे ने बचाई, अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ बे यहाँ तूने बचाई, दाता मेरी दाही इलाज रखता है, बस मैं कुछ नहीं करता, दाता मालिक मेरी दाढ़ी की लाज रखता है, कुछ किसी को कह देता हूँ वो ठीक हो जाता है, लोग समझते बाबा करता, मैं कौन भगवा करने वाला, वो कुदरत का खेल है, मुझे समझ में कुछ नहीं आया, समझ गए। अब क्या वक्त हो गया, आपने शुरू किया था? हाँ जी, पौन घंटा हो गया। अच्छा ये पर ये क्या है, नाम का अंग।
अब क्या हमसे पड़ा तुम्हें अति द्राविड़ उपजिलाए रामानंद प्रगट करी कबीर ने सात दीप नौखंड। मैं द्रावड़ में जाया करता हूँ, मेरा वे ऑफ थिंकिंग अलग है। द्रावड़ में जितनी भक्ति है और कहीं नहीं। भक्ति क्यों है, वो भक्ति क्यों ज्यादा करते हैं, छोटी उम्र में उनकी शादियां हो जाती हैं। आप समझिए मेरी बात को, मैंने क्या कहा, मेरे पास 16-16 साल की लड़कियां आती हैं, रोती हैं, बाबा जी हमारे बच्चा नहीं है। भक्ति वो करता है जिसमें कोई कमजोरी होती है, या फाइनेंशियल कमजोरी हो, या जिस्मानी कमजोरी हो, या किसी का डर हो। जब तक किसी में कमजोरी नहीं है वो भक्ति कर ही नहीं सकता। मेजर जनरल जय सिंह आया यहाँ तो इत्तेफाक की बात, मैंने मुझे कहने का, मुझे मैं कई महात्मा कहते हैं मुझसे भक्ति नहीं होती। मैं बड़ा हंसा, मैं कहते तेरे से भक्ति होगी कैसे, तेरा तो ब्रह्मचर्य कायम है, तू ज्ञान योग का अधिकारी है। आप समझते मेरी बात को नहीं। हर एक आदमी भक्ति के, किसी के लिए कर्म योग है, किसी के लिए ज्ञान योग है, किसी के लिए भक्ति योग है, और किसी के लिए नास्तिक बना है। कई ऐसे आदमी हैं जो खुदा को ना माने तब उनको शांति मिलती है। क्या कहा मैंने, मंजिल मकसूद राम नहीं है, मंजिल मकसूद पीस ऑफ माइंड है। जिसको जिस ख्याल से पीस मिलती है उसके लिए वही उसको चाहिए था। क्या कहा मैंने, हम जो कुछ भी करते हैं, राम जपते हैं, महाराज किस लिए करते हैं, मन की शांति के लिए करते हैं ना। एक आदमी को अगर नास्तिक बनने में शांति मिलती है तो उसको शांति है। ईश्वर की भक्ति करने वाला भी कहाँ जाएगा, शांति करेगा। क्या कहा मैंने, मास्टर मोहनलाल सुन रहा है, क्या कहा मैंने, एक आदमी अगर नास्तिक खुदा को नहीं मानता ना माने, अगर वो शांत है, अगर उसको पीस है, फिक्र नहीं है, तो उसका उसी ये वही मतलब उसके लिए सकता। बस ये आगे कबीर गुरु की भक्ति कर ये। तज विषया रस चोज, ये भक्ति कमजोर करता है, मगर गुरु की भक्ति करोगे तुम्हारी कमजोरी दूर होगी। आजकल मेरे पास नौजवान आते हैं, अशांत होते हैं, मैं फौरन समझ जाता हूँ। मैं कहता हूँ तुमने अपना ब्रह्मचर्य खोया हुआ। अखिल जी हाँ खोया हुआ। आजकल ऐसे आदमी गुरु के पास वो नाम दे देते हैं, उनको ये नहीं कहते कि तुम अपने ब्रह्मचर्य को कायम करो। वो अभ्यास ज़्यादा करते हैं और पागल हो जाते हैं। ये है जो मैंने रियलाइज किया। तो गुरु की भक्ति क्यों की जाए, ताकि गुरु की भक्ति से तुमको समझ आ जाए, विवेक आ जाए, अपनी जिंदगी को तुम पूरा कर सको। परवेश करी को कबीर गुरु की भक्ति कर तज विषया रस चोज, बार बार नहीं पाइए मानुष जन्म की मौत। अब तुम सब गुरु बहन कहिए, वो तो कहता है गुरु की पक्की कह ये विषय विकार को छोड़ो, 420 को छोड़ो, हेरा फेरी को छोड़ो। तो हमने नाम ले लिया, 420 करते हैं, दुश्मनी करते हैं, उससे झगड़ा मार क्या कुछ कर, तो उस गुरु पक्की से क्या मिलेगा तुमको। वहाँ शर्त लगाई हुई है गुरु की भक्ति के साथ, क्या है परवेश करी को कबीर गुरु की भक्ति कर तज विषया रस चोज, बार बार नहीं पाइए मानुष जन्म की मौज। कबीर गुरु की भक्ति बिना
ग जीवन संसार धुए का धोरा हरा बिन सत लागे न बार। अब गुरु की भक्ति क्यों? सिर्फ इसलिए कि गुरु से तुमको समझ मिलती है, ज्ञान मिलती है। अगर तुम गुरु की भक्ति ये समझते हो कि 10,000 रुपया बाबे फकीर को दे दो, उसका मंदिर बना दो या बेरा ब्यास का बना दो तो तुम तर जाओगे, ये बिल्कुल झूठ है। और जो गुरु ऐसा कहते हैं वो बकवास करते हैं। ये देना देना तो है, संसार का व्यवहार है। यहाँ आप आदमी आते हैं, जरूरत है, यहाँ मंदिर है, ये और बात है। मगर अगर रुपया देने से कोई शख्स तर जाता तो बड़े बड़े बिल्ले जैसे रुपया दे करके गुरुओं को 7 लोग पहुंच जाते, गलत है, बिल्कुल झूठ है। गुरु की भक्ति है गुरु के सत्संग में जैसे तुम अब मेरी अगर बात पूरी तरह सोच समझ रहे हो कार्या के विचार, तब तुम गुरु भक्ति कर रहे हो। अगर बैठे यहाँ हो, ख्याल तुम्हारा कहीं और है, तो फिर आप गुरु की भक्ति नहीं करते। गुरु की भक्ति है दर्शन करे, वचन पूरी सुनने, सुन सुन कर मन में गुने, गुनगुन कर रहे तिस सारा, कर सार तिस करे आहारा। ये है गुरु की भक्ति। बाकी राज ये दुनिया का व्यवहार है, पैसा देना दें, ये तो संसार का व्यवहार है, इसके बगैर गुजारा नहीं चलता, देना लेना बना हुआ है। समझिए मेरी बात को, मेरी मैं चाहता हूँ आप लोग मेरी सुने या ना सुने, आई केयर हैंग फॉर, मैं चाहता हूँ मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर जाऊँ। मैं अपने मेरे जिम्मे जो ड्यूटी है वो मैं सच्चाई से आपके साथ व्यवहार कर जाऊँ। आपकी मर्जी चाहे आओ, आपकी मर्जी चाहे ना आओ, आपका जी चाहे अमल करो, आपका जी चाहे नाम करो, मुझे क्या, मैंने क्या लेना। आगे भक्ति भाव भादो नदी सभी चले गहराए, सरिता सोई सराइए जो जेठ मास ठहराए। क्या कहते हैं, जज्बा होता है आज दर्शन करने का भी या किसी असूल को फॉलो करने का भी, आप समझे ना। कहने पादों की नदी में दरिया आता है, व्यवहार पाता आता है, उसकी उसकी कोई वैल्यू नहीं। दरिया वो अच्छा है जिसमें 12 महीने पानी रहे। तो जिस असूल को आपने जिंदगी शुरू किया कि उसी असूल को सारी जिंदगी काबू करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैंने ऑनेस्टी ट्रूथफुलनेस बचपन से शुरू किया, मैंने ईमानदारी और सच्चाई सच बोलना बचपन से शुरू किया, और देख लो मुझे कितना फायदा पहुंचा। हम एक असूल पकड़ते हैं, जब तकलीफ देते हैं उसको छोड़ देते हैं। वी आर वन एम एंड वन ऑब्जेक्ट, वन प्रिंसिपल, ये है गुरु की भक्ति का असूल। आगे हर्ष बढ़ाई देख कर भक्ति करे संसार, ये जब कुछ दी से हीनता अब गुण धरे गंवार। एक आदमी किसी को दोस्त बना लेता है, दोस्त किसी के ऐब नहीं देखता, याद रखना। जिस आदमी में ये है दूसरे में ऐब देखता रहता है, उस शख्स का कोई इतबार नहीं, और ना वो मंदिर पर पहुंच सकता है। हम लोग क्या करें, हाँ इसके 15,000 चेले हैं, 20,000 चेले हैं, इसलिए हम किसी के साथ प्रेम करते हैं, यह गलत है। आज सिर्फ देखी, कल को कोई ऐप देख लिया, छोड़ दिया। भक्ति जो है ये एक विश्वास है जो अटल रहता है। आजकल पिछले ज़माने में औरतें शादी कर लेती थी, दुख हुआ सुख हुआ, औरतें सारी जिंदगी खावन के साथ निभाई, खावन ने औरत के साथ निभाई। अब क्या है, शादियाँ होती हैं, दो महीने के बाद डाइवोर्स हो जाता है, जिंदगी क्या है कुछ नहीं। आगे जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति ना होए, हाँ।
नाता तोर भक्ति करे भक्त कहावे सोए। जात पात का झगड़ा जब तक मौजूद है जब तक भक्ति नहीं होती। आगे सत नाम हल ज्योतिये सुमरन बीज जमाए खंड ब्रह्मंड सूखा पड़े भक्ति बिरथा नहीं जाए। उस दर्जे तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सत्यनाम जो मैंने हम क्या करना चाहिए तजर्बा बताता हूँ आपको। हम जो कुछ सुनते हैं पढ़ते हैं देखते हैं उस सारी की शक्ल हमारे ये मकाम है जहाँ रहती है। जब भी हमारी तवज्जो इस मुकाम पर जाएगी खाए वो संत है परम संत है खुदा है या कोई भी है क्योंकि जो कुछ फिल्में उसकी पहले संस्कार जहाँ बनी हुई हैं वो उसके सामने आएंगी। सपने में भी मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ तुम्हारे साथ बीतती है कि नहीं बीतती? अब मेरे भाव को आपने समझना मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। हम अभ्यास करते हैं जो कुछ हम देखते हैं सुनते हैं पढ़ते हैं उनके नक्शे हमारे यहाँ पड़े रहते हैं। नक्शे कैसे पढ़ते हैं? जैसे रेडियो के ऊपर या टेलीविजन पर जो तारें आती हैं वो किरणें आती हैं ना, शक्लें तो नहीं आती, किरणें आती बिखरी हुई। जब वो उस स्क्रीन पर आती हैं तो वो इकट्ठी हो जाती हैं तब शक्ल बन जाती है या आवाज़ बन जाती है। ऐसे ही जो कुछ हम देखते हैं सुनते हैं किरणों के रूप में हमारे दिमाग में रहता है। जब हम अपने आप को आँख बंद कर लेते हैं जहाँ ठहरते हैं तो जो कुछ फिल्में बनी हुई हैं वो हमारे सामने आएंगी। आदमी अभ्यास करने लगते हो जो पुरानी बातें सारी सब तुम्हारे सामने आती हैं कि नहीं आती? जब तुम अभ्यास करने बैठते हो या जितनी पुरानी बातें हैं सब तुम्हारे सामने आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि उनकी फिल्में हैं। तो अगर कोई ये चाहता है कि मैं जब तक वो जहाँ ठहरा हुआ है यहाँ कि उसके अंदर फिल्में ना चलें ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता। एक हो सकता है कि एक इश्क लग जाए किसी का तो वो एक अच्छी फिल्म तुम्हारी बन जाएगी, बाकी फिल्में बंद हो जाएंगी, एक अच्छी फिल्म बन जाएगी। नहीं समझ ये फिल्में बंद नहीं होंगी। देखो मैं तुमको बता देता हूँ, समझ रहे मेरी बात को? प्रशासन दास कहने तकलीफ होंगी होनी है मैं जानना। ध्यान को यहाँ की बजाय ऊपर रखो बस, फिर फिल्म बने क्योंकि ये मुकाम है फिल्मों का। ये मैं सारी जिंदगी मर गया इस मन के साथ जूझता हुआ सारी जिंदगी, दाता को शिकायतें चिट्ठी लिख लेकर तंग आ गया, समझ नहीं आती ये सब समझ मुझको ऐसे संयोग तुम्हारी वजह से आई, तुम्हारी वजह से तुम्हारे तजर्बों ने मेरी आंख खोल दी। बस आगे जल जो प्यारी मछली लो भी प्यारा दामा माता प्यारा बाल का भक्ति प्यारी राम। ऐसी जगह होनी चाहिए। मैं दाता से प्रेम किया करता था ना तो मुझे उस वक्त कोई, जब से ये ज्ञान हो गया तो फिर मन मारता था, समझ नहीं आती थी मन क्यों मेरा खराब करता है। अब मुझे समझ आ गई, अब मैं जब बैठता हूँ तो मन से यहाँ ठहरता नहीं ऊँचा चला जाता हूँ, फिर मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। और अगर मैं यूँ यहाँ आ जाऊँ या सो जाऊँ तो जो फिल्में बनी हुई हैं सपने के ख्वाब सब मेरे सामने आने शुरू हो जाते हैं। ये है कुंजी जो मैं आपको बता देता हूँ साधनों के लिए। आगे
भक्ति प्राण सो होत है मन देखी जे भाव परमार्थ प्रतीत में ये तन जाव तो जाव। कहते भक्ति प्राण से होती है, प्राण जानते हो ना, एक सांस प्राण है, एक हमारी जो चेतन शक्ति है मन की वो है प्राण। सती औरत का पिछले पति मर जाता था तो वो सती होती थी, वो प्राण से सती होती। ये कठिन काम है, हर एक आदमी के काम का नहीं है। आगे प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज दम्भ विचार उदर भरण के कारण जन्म गवायो सार। जो गुरु से प्रेम करते हैं इसलिए कि हमें दौलत मिल जाएगी, हमें हमारा मुकदमा ठीक हो जाएगा, वो कहते हैं ये अडम्बर है, ये भक्ति नहीं है, ये तो गर्ज अपने गर्ज के लिए करते हैं, इसका कोई फायदा नहीं। आगे भक्ति बीज बिन से नहीं आए पड़े जो झोल कंचन जो बिछा पड़े घटे नाता मोल। इसका मतलब आसान है, अगर सोना गंदगी में पड़ जाए उसको ले लो, भक्ति जो है ये तो कहीं भी तुमको हो तो उसको करो। हाँ जी आगे भाग बिना भक्ति नहीं पाइए प्रेम प्रीत का भक्त बिना प्रेम नहीं भक्ति कुछ भक्त भाख्यो सब जगत। अब मैं रहता हूँ, गोपाल दास मेरे पास रहता है, जब और मैं ये कहेंगे हम भगत हैं बाबा के भक्त, कोई कहता है कोई बात कहते कि ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, ऐसे आदमी को गुरु भक्ति से कुछ फायदा नहीं। ये बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ, आप समझिए मेरी बात को, ये नहीं, भक्ति कुछ और चीज है। राय साहब सालग्राम थे, स्वामी जी ने कहा यहाँ दीवार बना दो, उन्होंने दीवार बना दी, कह महाराज दीवार देख लो, आए दीवार गिरा दो। उन्होंने ये सवाल नहीं किया क्यों गिरा दें, उन्होंने ये सवाल नहीं किया क्यों गिरा दें, लोगों ने कहा महाराज, उनका भी हमको क्या, उन्होंने हुक्म दिया मैंने कर दिया। सिखों में एक गुरु थे, किसी गुरु ने कहा रेत की बना दो घर, याद है वो घर बनाते हैं, सब आए सब ने कहा पागल हो गया, ये गुरु पागल हो गया जो रेत बनाएगा, वो ना उठा कभी, क्या उसका गुरु का नाम था तो वो होता है, किसी ने पूछा उन्हें कहा मुझे क्या, मुझे क्या, मुझे कहते हैं मैं बनाता हूँ रेत गिर जाती मेरे से मैं क्या, मेरे काम तो बनाया जाना है, बनाया जाना है, बनाया जाना है, बनाया जाना है, उसे छाती लगा दिया गड्डी दे गया उसको। ये परमार्थ की भक्ति है, आप समझे मेरा मतलब नहीं है, ये परमार्थ की भक्ति है। मैं मुंशी रमाता करता था और मैं डरता रहता था, कुछ बात कह दिया था करता था, अब अच्छा हुआ मैंने उसको इस काम से निकाल दिया, अब ही विल बी माई प्राइवेट सेक्रेटरी, बाहर सत्संग जाकर परमार्थ का काम करेगा, यहाँ के इंतजाम में नहीं होता। मैं डरता रहता था, कोई बात कह देता वो कर देता, ये न देखता भी गलत है ये ठीक है, ये उनका प्रेम था। तो मेरे कहने का भक्ति जो है ये कुछ और चीज़ है, आज समझिए मेरे बात में, दुनिया इसके मुस्तक नहीं है, ये तो नानक कोठरी में को नारायण जैन थी, सारे आदमी ये नहीं कर सकते। और जब गुरु नानक साहब थे तो उन्होंने प्याला फेंक दिया कीचड़ में, याद है आपको कि नहीं, लड़कों को बोला तो कहने का आप तो
दिमाग खराब हुआ हुआ है। गुरु अंगद को बोला वो चले गए, उन्होंने पैरा साफ कर दिया। ये एक्सट्रीम है, आप मेरे भाव को समझे, ये एक्सट्रीम है एक्सट्रीम, मगर सब दुनिया के लिए ये नहीं है। आगे भक्ति कठिन अति दुर्लभ है, भेख सुगम नित सोए, बहुत मुश्किल है। भक्त जो न्यारी भेख से ये जाने सबको, आगे भक्ति भेख बहु अंतरा, जैसे धरन आकाश। एक आदमी भक्ति का स्वांग बना लेता है, एक कहते हैं इसमें बड़ा फर्क है, जिसमें जमीन और आसमान का फर्क है। आगे भक्ति भेख बहु अंतरा, जैसे धरन आकाश, भक्त लीन गुरु चरण में, भेख जगत की आस, जहाँ भक्ति तहाँ भेख नहीं, जहाँ भक्ति तहाँ, जहाँ भक्ति तहाँ भेख नहीं, वरण श्रम तहाँ नाही, जहाँ भक्ति तहाँ भेख नहीं। देख क्या, द्वेष के देख, देख जहाँ भक्ति तहाँ भेख नहीं, वर्णाश्रम तहाँ नाही, नाम भक्ति जो प्रेम सो दुर्लभ जग माही। नाम की भक्ति, नाम की भक्ति के अपनी जात की भक्ति। बाहर देखो सारी दुनिया लोग बाहर के गुरु की भक्ति करते करते मर गए। बाहर के गुरु की भक्ति इतनी है कि उसके पास बैठ करके उससे चार वस्तु ले जाए, फिर भक्ति अपने अपने अंतर में अपने आप में ठहरने की भक्ति की जाती है। जो शख्स सारी जिंदगी किसी बाबे फकीर को ध्यान करते करते मर जाएंगे, उनको मोक्ष नहीं मिलेगी। देखो मैं क्या कह देता हूँ तुम सत्संगी हो सारे, मैं अपनी जान बचाना चाहता हूँ, मैं तुम लोगों को फकीर चंद के जिस्म के साथ नहीं बांधना चाहता, मैं इसको पाप समझता हूँ। जो आदमी सारी जिंदगी बाबा सावन सिंह फकीर चंद दयाला स्वामी के किसी गुरु को जाते हुए अंत में उनके सामने वो आ जाता है, उसको आवागमन नहीं छूट सकती। क्यों? क्योंकि बाहर का तो कोई गुरु आता नहीं, ये तो मेरा तजुर्बा हो गया ना। वो जो आता है वो उसके अपने मन में बनाया हुआ होता है, इसलिए वो मन के चक्कर से बाहर नहीं निकलता। वो उसको जोड़ी अच्छी मिलेगी, ये ठीक है, अच्छा घर मिलेगा, अच्छी जोड़ी मिलेगी, सिद्धि सबको, मगर उसका आवागमन खत्म नहीं होगा। ये मैं क्यों कहता हूँ? ताकि मैं तुम लोग जो मेरे पीछे लगे हुए हो, मैं तुमको धोखा ना दूँ, तुम्हारा अकार ना करूँ, तुम्हारा नुकसान ना हो जाए। इस वजह से अपनी जान को बचाने के लिए सच्चाई बयान करता हूँ। आगे भक्ति रूप भगवंत का भेख तो है कुछ और, भक्ति रूप भगवंत है भेख तो मन की दौर, भाव बिना भक्ति नहीं, भक्ति बिना नहीं भाव, भक्ति भाव एक रूप है, दो एक दो स्वभाव, भाव और भक्ति। आगे भक्ति पदार्थ तब मिले जब गुरु सोए सहाए, प्रेम भक्ति की भक्ति जो पूर्ण
ज्ञान भाग मिलाए। गुरु भक्ति अति कठिन है, ज्यों कांडे की धार। क्यों कठिन है? तू जो जो कहता है उस पर अमल करना बड़ा मुश्किल है। नहीं, इस बात करना है, बाकी तो भक्ति आसान है। मुठी चापी कर देगा 10,000 रुपए। गुरु की, गुरु ने जो बात कहनी है उस पर अमल करना मुश्किल है, इस बात करना है। हाँ जी, गुरु भक्ति अति कठिन है, जो खांडे की धार। बिना सांच पहुँचे नहीं, महाकठिन व्यवहार। जब तक इंसान सच्चा नहीं होता वो पहुँच नहीं सकता। मैंने अपनी जिंदगी में सच्चाई का चोला लिया है, मुझे कोई दुख नहीं। बस जब तक कोई सच्चा आदमी नहीं होता, सच्चे मैंने वो नहीं जो अपनी आत्मा को सच्चा जो रखता है। अगर मैं आप लोगों से अपनी जाति गर्ज के लिए प्यार करता हूँ तो मैं मुजरिम हूँ। अगर मैं, आप अमीर आदमी मेरे पास आते हैं इसलिए आपको आगे बताता हूँ कि आप आए हैं 200-400 रुपया दे जाए तो मैं मुजरिम हूँ। मेरे नज़दीक गरीब से गरीब और अमीर से मैं उसके भाव को देखता हूँ। आप समझे, मतलब किसी जात का हो, किसी उसमें भाव है, मैं उसको छाती लगा देता हूँ। अमीर हो, उसमें भाव नहीं है, जूना केस खाए, हुई जी पंच पकाए खाए, मैंने क्या लेना उसे। बस तो आज मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया। अब आप चल अमल करो, अमल करो, अमल। आदमी गिरता रहता है, देखो तो मैं बताऊ, मैं भी गिरता हूँ। कोशिश करो अपने आप को संवारने की। अगर गिर जाओ अपने मन के अंदर अफसोस करो, फिर दोबारा गिरने की कोशिश ना करो। ट्राई 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 अगेन। एक दिन का ये काम नहीं है, तो एक दिन का काम है। सबसे ज्यादा है सत्संग। अगर मेरे सत्संग करने वाले जो सत्संग के लिए आते हैं, अगर उनके भरम नहीं जाते, उनकी शंकाएं नहीं जाती, उनकी अखली तस्कीन नहीं मिलती, तो मैं ये कहूँगा लानत है मेरी जिंदगी पर, मेरी माँ ने मुझे क्यों जाया। और मैंने ये जो कुछ काम किया कोटा दिया, ये बिल्कुल सच्ची बात। बशर्ते कि दूसरा आदमी सत्संग के ख्याल से आता है। तो कई आदमी तो तमाशे के लिए आते हैं, परसों एक आध दो आदमी यहाँ आ जाते हैं। मुझे बहुत सोचना पड़ता है कोई बात यहाँ की हुई, उनका देखो जी यहाँ तो इंसानियत है ही कोई नहीं, नाम ही बोर्ड लगा हुआ है, पता नहीं वो कौन आदमी था। मेरे ये गद्दियों वाले मुखालिफ हैं, इनके पास कहने को तो कुछ नहीं, ये किसी को भेज देते हैं यहाँ। आप समझो, मतलब है नहीं नुकता चीनी करने के लिए, फिर वहाँ जाके प्रोपेगेंडा करते हैं मंदिर के अगेंस्ट। मुझे बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है, नहीं समझ में आती है ये मैं आपको बता देता हूँ। आरती कर दो, महीने का नाम बता दो। हार महीना है, हार महीना है, हार। सबको मुबारक हो, सुखी रहो। आरती कर दो।